हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में बात करने वाले हैं नई वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ, जो टीचर्स यानी कि अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पेपर है। हिंदुस्तान पेपर आज का है, 20 नवंबर 2018 का। ये हिंदुस्तान पेपर मैंने खोल रखा, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि हाई स्कूल में बहाल होंगे 4500 अतिथि शिक्षक। अब इस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं पूरी डिटेल, क्या जानकारी, कौन कौन से लोग बहाल होंगे। तो आप चलते हैं, इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ लिखा है हाई स्कूल में बहाल होंगे 4500 अतिथि शिक्षक। ये जो खबर है ये है हिंदुस्तान जॉब, हिंदुस्तान ब्यूरो पटना की। इसमें साफ साफ लिखा है कि राजकीय राजकीयकृत तथा मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड हाई स्कूल में अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी। अतिथि शिक्षक अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों के लिए बहाल किए जाएंगे। बहाली प्लस टू स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के तर्ज पर की होगी। हालांकि प्लस टू शिक्षकों से कम पैसे पर हाई स्कूल के गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। प्लस टू में 1000 रोजाना और अधिकतम 25000 मासिक अतिथि शिक्षकों की सेवा के लिए ली जा रही है। यानी कि आपके जो 4500 नए यानी कि गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट होगी और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्द होगा। आगे भी लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में प्रस्ताव तैयार किया कि प्रस्ताव वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। स्वीकृत मिलने के पर आगे प्रक्रिया की जाए, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वित्त मंत्रालय तक भेज दिया गया है पटना के। अब वहां से जैसे ही अप्रूवल मिलता है तुरंत ही 4500 पोस्टें आ जाएंगी और इसका चयन कर लिया जाएगा। तो ये जो चयन है अतिथि यानी गेस्ट के रूप में होगा, और जो गेस्ट टीचर होंगे वो जो गवर्नमेंटेड टीचर होंगे यानी परमानेंट टीचर, उनसे ज्यादा सैलरी इनको दी जाएगी। यानी कि 25000 रुपया मंथली या 1000 रुपया रोजाना, क्योंकि चार संडे होते हैं तो चार संडे को छुट्टी होता है, तो वही 25000 पड़ गया आपका। तो ये जो नौकरी है बहुत अच्छी है, आप सभी लोग अप्लाई करिए जो जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और शिक्षक की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये था ओवरऑल अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो शिक्षक की भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।